हेलो भैया, भाई भैया कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। ब्लॉगिंग करना हूँ मैं तो। और सब बढ़िया? कहाँ से हो आप? ट्रैक पे बैग वैग नहीं लेके जा रहे? नहीं नहीं, मैं जाऊँगा फिर आ जाऊँगा। अच्छा, आज ही वापस आओ? जी जी भैया। आप लोग कहाँ से हो? हम यहीं से। लोकल? लोकल। आप? अच्छा, मैं भी लोकल ही हूँ। बढ़िया बढ़िया। कैसे मज़ा आ रहा है नीचे से? बस भैया, मज़ा तो आ रहा है। वैसे उतने ज़्यादा कुछ थकान थकान नहीं है, क्योंकि मैं पहाड़ में रह चुका हूँ ना। अच्छा, रह चुके हो। क्या नाम है आपके चैनल का? योगेश सिंह ब्लॉग 17। जी भैया। अच्छा, आपने कैंप ही किया? कैंप किया ना ऊपर। अच्छा, कल गए थे? हाँ कल। ठीक है भैया, थैंक यू। बाय बाय भैया। ओके। कि काफ़ी लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं भी जाऊंगा अभी उस पहाड़ी पर, वहां से दिखाऊंगा आपको पूरा व्यू। तो बने रहिए। जो आपको अभी भैया लोग दिखे थे, वो भी यहीं कॉलेज से हैं, मतलब लोकल ही हैं बोल रहे थे। तो वो कल आए थे यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए, और उन्होंने यहाँ कैंपिंग कुम्पिंग की, और आज वो रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा सीन नहीं है, मैं आज जाऊँगा और तुरंत ही रिटर्न हो जाऊँगा। तो बने रहिए आप लोग और देखते रहिए। सो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मतलब कोने पे मत जाना, सतर्क हो जाना, क्योंकि वहाँ से नीचे गिरने का खतरा रहता है। तो आप देख सकते हैं, ये अभी देखिए, अभी अभी गिरा है वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी। तो ऐसा लग रहा है ना कितना डेंजरस है यहाँ पर, तो इसलिए मत जाइए प्लीज़। जो भी आता है यहाँ पर ट्रैकिंग करने, तो ये पहाड़ों के पीछे जो सोचेंगे आप यहाँ पर जाके फ़ोटो शूट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत करिए। ये देखिए, वहाँ से गिर जाएंगे तो नीचे क्या होगा, खाई में। तो इसलिए ध्यान रखें। दोपहर के 2 बज चुके हैं और भूख लग चुकी है। मैं भूख खाने के लिए बिस्किट लेके आया, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं लाया। और पीछे देख सकते हैं भैया लोग वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आए हैं, कैंपिंग करने। तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, बोल रहे थे अकेला आया है। मैंने कहा अकेला नहीं आऊँ तो किसके साथ आऊँगा। तो चलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को रिटर्न भी होना है, तो लेट हो जाएगी मेरे को। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, ट्रैकिंग के लिए जाता है पहाड़ों पर तो वहाँ खाने की चीज़ ले जाता है, तो वो वहाँ जाके वहीं फेंक देता है। ये देखिए, ये प्लास्टिक के रैपर पड़े हुए हैं, ये तो गलत बात है। खाते हैं खाते हैं आप लोग और यहीं फेंक के चले जाते हैं। जब खा लेंगे तो इसे प्लीज़ बैग में डाल के वापस ले जाएं और कहीं जाके कूड़ेदान में डाल दें। ऐसे पहाड़ों पर मत फैलाइए, क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। इसलिए कृपया ध्यान रखें, जो भी पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जाता है, ऐसी गलती ना करिए, हमारे पहाड़ को गंदा मत कीजिए। बाकी एक बात है दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है, और चारों तरफ देखिए काफ़ी घना जंगल जैसा लग रहा है ना आपको, एक मैदान जैसा भी लग रहा होगा, क्योंकि मैदान भी है और यहाँ पर घनी घनी झाड़ियाँ भी है, इसलिए दोनों मिक्स है। बट नो टेंशन, हम तो अपनी मंजिल पर चलते रहेंगे। लेकिन एक बात नहीं, नॉन स्टॉप चलता रहा, क्योंकि मेरे को रिटर्न भी होना है, इसलिए काफ़ी देर हो जाएगी। भैया बोल रहे थे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप चलते रहिए, कभी रुकिए मत। इसलिए मैं अभी रुका नहीं और चलते जा रहा हूँ नॉन स्टॉप। और एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ, पहाड़ों की सबसे ख़तरनाक चीज़। ये देखिए, ये पता नहीं क्या लगे हुए हैं, दो चीज़ ऐसे लग रहे हैं नींबू जैसे होंगे, लेकिन नींबू नहीं है ये। ये काफ़ी ख़तरनाक ऐसे फल जैसे लग रहे हैं। और ये देखिए, कांटेदार नुमा पौधा, इसके कांटे बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ख़तरनाक चुभते हैं, इसलिए इससे बच के रहिए। और ये पता नहीं क्या है इसका नाम, किसी को पता है इसका नाम तो कमेंट में ज़रूर बताइए इसका नाम, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या है। यहाँ का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच चुका हूँ मैं। और यहाँ पर पहाड़ के ख़तरनाक पत्थर देखिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी डेंजरस लग रहा है ना। यहाँ पर बैठ के टूरिस्ट फ़ोटो खिंचवाते हैं, बट मैं कैसे खिंचवाऊँ, मेरे को खींचने वाला भी कोई है नहीं। तो बट मैं चले जाता हूँ। अब आ चुका है यहाँ पर रास्ता, देखिए दोनों तरफ दीवार हैं और बीच से है रास्ता जाने के लिए, एकदम जन्नत का रास्ता लग रहा है मेरे को तो। बट जो भी है, पहाड़ में जाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने सोचा नहीं था यहाँ तक आऊँगा, मैंने नीचे की लोकेशन देख रखी थी, लेकिन आगे अब ऊपर तक, अब सोच रहा हूँ पूरे मंदिर के दर्शन करके आऊँ। अभी 2 बज चुके हैं, आते आते मेरे को काफ़ी टाइम लगा, फिर भी मैं नॉन स्टॉप आया। पर कोई नहीं दोस्तों, चाहे रात हो जाए, आज मैं पहुँच के दिखाऊँगा। सोलो ट्रैकिंग है मेरी, आप समझ सकते हैं, सोलो ट्रैकिंग बोर भी है, काफ़ी बोरिंग, लेकिन
ये सोलो में बोर तो लगता है, पर जो पहाड़ में जाने का मज़ा आता है ना, जो व्यू दिखते हैं आपको वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इससे बोरिंग नहीं होती है। तो हमें एक यहाँ पर प्लेन जगह पर, यहाँ पर पहले एक पानी का तालाब हुआ करता था छोटा मोटा, लेकिन अब सूख चुका है गर्मी की वजह से। और सामने पहाड़ी पर देख सकते हैं आप, इतने शानदार घर बना रखे हैं पहाड़ी पर। और यहाँ का व्यू तो आप देख ही सकते हैं, व्यू तो काफ़ी ख़तरनाक है। ये देखिए कितने नीचे से आया मैं अभी यहाँ पर, और भी जाना है, अभी आधा रास्ता बाकी है शायद, मेरे को लग रहा है, पर मैं कोशिश करते रहूँगा और हार नहीं मानूँगा। तो चलता हूँ फिर मैं आगे की ओर, अपनी मंजिल की ओर, और आप इन्जॉय करते रहिए। फाइनली दोस्तों, मैं 14 किलोमीटर ऊपर पैदल चल चुका हूँ ट्रैकिंग करते करते, और मेरी हालत डाउन हो चुकी है अब तो, क्योंकि ना मैं पानी की बोतल लेके आया, ना कुछ लेके आया, और मैं नॉनस्टॉप चला, ना मैं कहीं पे रुका, और अभी भी चल ही रहा हूँ। और अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, अब 2-3 पहाड़ और है, उसके बाद है मेरी मंजिल पहुँचेगी, फिर उसके बाद मेरे को रिटर्न भी होना है। और मैं दिखाता हूँ आपको भद्रास टेम्पल, यहाँ से जो मैं बोल रहा था भद्रास टेम्पल, ये है सामने पर, और ये देखिए ये रहा भद्रास टेम्पल। यहाँ पर आना था मेरे को, मतलब लोकेशन तो मेरी नीचे की थी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं एक ट्रैकिंग का सोचता हूँ और मैं इसे पूरा करके रहूँगा, और मैं ये पूरा करने वाला हूँ अभी। तो ये देखिए ये पहाड़, अभी ये 4-5 पहाड़ है, इसे पार करना है, उसके बाद पहुँच जाऊँगा मैं भद्रास टेम्पल में। ये रहा भद्रास टेम्पल। तो जब भी अगर आप कभी ट्रैकिंग पर आएँ यहाँ पर, तो प्लीज़ पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ। वो मेरे को आज पता चल रहा है कि पानी की बोतल क्यों नहीं लेके आया। इस धार के पीछे की साइड वाला व्यू देख सकते हैं आप, ये व्यू भी काफ़ी तगड़ा है। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर मतलब कोई लोग रहते होंगे, लेकिन आप जो सोच रहे हो गलत है। यहाँ पर देखिए लोग इतने ऊपर भी रहते हैं, और सामने वहाँ पर देखिए वहाँ पर भी रहते हैं, मतलब लोग तो ऐसे ही है कि हर जगह रहते हैं, हर जगह कहीं भी। लेकिन पहाड़ों में जो रहता है ना, जो पहाड़ों में रहने का मज़ा भी है ना, वो और कहीं नहीं है, जन्नत जैसा, एकदम जन्नत जैसा। तो आप भी आइए यहाँ पर ट्रैकिंग करने, ज़रूर आइए। अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ब्रेक में मैं थोड़ा सा बिस्किट खा लेता हूँ, क्योंकि भूख भी लग चुकी है और प्यास तो लगी है। प्यास तो अगर वहाँ पानी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी बिस्किट खा लेता हूँ, एनर्जी आएगी थोड़ा सा। इस खूबसूरत पहाड़ पर एक डांस हो जाए, सोलो डांस, तो एक जौनसारी गाने पे एक मैं सोलो डांस करता हूँ। तो दोस्तों, डांस हो चुका है कंप्लीट। अगर आपके डांस पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। और अब यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं फिर। तो जा रहा हूँ मैं पहाड़ों से, अगर यहाँ से गिर गया तो नीचे गिर जाऊँगा और सीधा खाई में। बाकी चलते हैं आगे की ओर, अभी 2:30 बज चुके हैं, तो भैया लोग आ चुके हैं ट्रैकिंग करके। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया, पहुँच गए ट्रैकिंग करके? भैया लोग आ चुके हैं ट्रैकिंग करके, बाकी और भैया लोग आ रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो? हेलो भैया, पहुंच गए? तो भैया और आ चुके हैं, काफ़ी दूर से आए हैं शायद ट्रैकिंग करने। तो मैं तो जा रहा हूं अभी, अकेला हूं, लेकिन कोई नहीं, काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूं, और आपको भी एंजॉय करवा रहा हूं। ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहाँ आ चुका हूँ, जस्टिन बीबर दिखाता है ना जहाँ पहाड़ों पे चलता हुआ, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं जस्टिन बीबर की जगह यह मैं आ चुका हूँ पहाड़ों पर। काफ़ी मज़ा आ रहा है, काश मेरे साथ मेरा दोस्त होता ना एक और, तो और मज़ा आ जाता, लेकिन कोई नहीं, जस्ट चिल और ट्रैकिंग कंटिन्यू। के बीच मिल चुका है मेरे को एक डॉगी। हाय डॉगी, कैसा है? ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलते हैं, एक गांव के पेड़ मिल चुके हैं, बांज के पेड़, इन्हें काफ़ी मिस किया। गांव पहाड़ों में यही रहते हैं बांज के पेड़, किसी को बांज पता नहीं है, तो ये है दोस्तों बांज। टाइम का पता नहीं चला, 3 बज चुके हैं, और मंजिल ये रही मंजिल, वैसे अभी होगी 3 किलोमीटर तो होगी, ऐसा लग रहा है ना यहीं पर, वाकई में यहीं पर नहीं है, काफ़ी
काफ़ी दूर है और यहाँ पर एक कैंटीन है, देखते हैं यहाँ पर पानी मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी प्यास लग चुकी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैगी पॉइंट, ये रहा मैगी पॉइंट, यहाँ पर आप मैगी खा सकते हैं और लंच कर सकते हैं। यहाँ पर ये सही बना रखा है यहाँ पर लंच करने के लिए, ये देखिए। तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर एक मैगी पॉइंट में पहुँचा हूँ और प्यास लग चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर एक फ्रूटी ले ली है। बाकी काफ़ी शानदार बना रखा है यहाँ पर, लकड़ियाँ रख रखी है, जब ठंड होगी तो लकड़ियाँ जलाएंगे। और यहाँ पर ये छोटा सा मैगी पॉइंट है, आप यहाँ पर आकर लंच कर सकते हैं। तो फ्रूटी पी ली है, अब चलता हूँ मैं फिर मंदिर की ओर। भैया भाई चलता हूँ फिर मंदिर की ओर, बाकी प्रसाद यहाँ पर ले जाना, मतलब घर से बना के हलवा हुलवा ले जाना पड़ता है, और मैं तो लाया नहीं घर से, मेरे को पता नहीं था यहाँ जाऊँगा, बट कोई नहीं, दर्शन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी है दर्शन करना भी। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, सूचना जय श्री भद्राज देवता, सूचना है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं इसे वीडियो को पॉज करके। सोच नहीं सकते मैं कहाँ से आया हूँ, पूरे नीचे से वहाँ से आया हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने बड़े धार को पार करके, पहाड़ों को पार करके आया हूँ मैं यहाँ। तो अब मंजिल काफ़ी नज़दीक है, मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है, बट कोई नहीं, रात को पहुँचूँगा घर, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरा मकसद था वो पूरा होने वाला है। रास्ते पर यहाँ पर कुछ सूचना लिखी है, विशेष सूचना, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। ये देखिए ना, शानदार व्यू, अरे व्यू के लिए तो आया था मैं यहाँ, काफ़ी सुंदर व्यू है, और दर्शन करने के लिए भी। पानी तो मिला, बट ये पानी इतना ठंडा है ना, क्या बताऊँ आपको, इतना ठंडा है ना, बर्फ से भी ठंडा है भाई, बहुत ठंडा पानी है। थोड़ा सा पिया मैंने, अब जा रहा हूँ मैं मंदिर पे, अब जाता हूँ यहाँ से अंदर, बड़ी मुश्किल से पहुँच चुका हूँ फाइनली। तो पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर में, अब दर्शन करता हूँ। पहुँच चुका हूँ मैं भद्राज टेम्पल, और मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, और यहाँ पर जय हो भगवान की जय हो, सुविधा बना रखी है, ये देखिए यहाँ पर आप आकर बैठ सकते हैं आराम से, और पहले मंदिर के दर्शन करिए, और मंदिर के दर्शन करके आप यहाँ पर आराम से आइए बैठिए,